हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने iQOO 3 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है स्पीकर की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके फ़ोन के स्पीकर में से अगर बिल्कुल भी साउंड की आवाज़ नहीं आती है, तो आपको यहाँ पे कुछ कन्फर्मेशन यहाँ पे कर लेनी है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन का ना ब्लूटूथ एक बार चेक करना है, कहीं वो चालू होकर किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड तो नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि ब्लूटूथ हमारा दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है, तो हमारे मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती, ठीक है। इसे आपको बंद कर देना अगर कनेक्टेड है तो, ठीक है। और एक चीज़ और चेक करनी कि आपका फोन जो है साइलेंट मोड पे एक्टिवेट तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है साइलेंट मोड पे एक्टिवेट होता है हमारा फोन और हमारे मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती, ठीक है। अगर ये चालू हो तो इसे बंद कर देना साइलेंट मोड को। और एक चीज़ और कि आपका फोन देखिए कि आप एयरप्लेन मोड होता है ये चालू तो नहीं, एयरप्लेन मोड भी जब चालू रहता है ना तो हमारे मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती, ठीक है ना। तो इसे आपको बंद कर देना अगर चालू है तो। और दोस्तों ये एक चीज़ और चेक करनी कि आपके फोन का जो डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग है कहीं वो चालू तो नहीं है, ये भी चालू रहती है तो हमारे मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती, ठीक है ना। तो ये डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग अगर ये आपको बंद कर देनी है, अगर ये डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग आपको इस स्टेटस बार में नहीं मिलती है, तो आपको करना क्या है, आपको फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग ये मिल जाएगी, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको डू नॉट डिस्टर्ब के ऑप्शन के सामने वाला बटन अगर आपका चालू हो तो इसे बंद कर देना, ब्लैक कलर में ऑफ रहना चाहिए, ठीक है। ये डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग को बंद करने के दो तरीके मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो ये प्रोसेस आप कन्फर्मेशन यहाँ पे कर लीजिए। अब देखिए मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बता देता हूँ, अगर आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती ना, सबसे पहले आपको अपने फोन को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फोन के साइड में जो पावर बटन होता है, पावर बटन को आपको ना उंगली से दबा के रखना है, तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन हो जाएगा छोटा सा इस तरीके का। इसमें आपको ना रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन हैंग करता है, मोबाइल फोन हीट करता है, स्पीकर के साउंड में से आवाज नहीं आती, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। आप जो फोन को रीस्टार्ट एक बार जरूर कर लीजिए। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला काम करना क्या है, देखिए आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है ना नीचे की साइड में, इसे आपको हल्के हाथों से साफ कर लेना है। होता क्या है कि इसके अंदर ना धूल मिट्टी जमा हो जाती है थोड़ी बहुत, जिसकी वजह से स्पीकर के साउंड में प्रॉब्लम आती है। तो आपको इसे ना हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत या प्रेशर नहीं लगाना है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के पार्टिकल डैमेज हो सकते हैं बिल्कुल ही, ठीक है। तो आपको इसे हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है। अब एक काम और करना है, देखिए आपको अपने मोबाइल फोन का सिस्टम यहाँ पे चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं। कई बार ऐसा होता है मोबाइल फोन के सिस्टम का अपडेट आता है हमें पता नहीं लगता है, तो मोबाइल फोन का सिस्टम जो है वो अपडेटेड ना होने की वजह से भी हमारे मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो मोबाइल फोन का जो स्पीकर, आपका मोबाइल फोन का जो सिस्टम है वो अपडेटेड है या नहीं, आपको कैसे चेक करना है, इसके लिए मोबाइल फोन का इंटरनेट आप चालू करिए। इसके बाद मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम अपडेट का, इसे टैप करना है। इसके अंदर अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड एंड इंस्टॉल लिखा हुआ दिखाई देता है तो इसे टैप कर देना है। इससे क्या होगा, फोन का सिस्टम अपडेट हो जाएगा और आपकी स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब आपको आखिरी प्रोसेस करना क्या है कि आपको अपने फोन को रीसेट कर देना है। फोन को रीसेट आपको तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं तो आपको फोन को रीसेट कर देना है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। तो फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, इसके अंदर आपको सबसे नीचे सिस्टम पे टैप करना है, इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है, इसके अंदर आपको सबसे नीचे की साइड ये इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके स्पीकर की साउंड की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको ये नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले कर लेने हैं, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो दोस्तों जितने प्रोसेस मैंने आपको बता दिए सारे आप फॉलो कीजिए तो आपकी स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस फॉलो करने के बाद भी आपकी स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना जो आपके एरिया के आसपास होगा वहां आपको चले जाना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से स्पीकर की साउंड में प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने प्रोसेस आपको बताए हैं ना वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन की सॉफ्टवेयर की कमी से ये प्रॉब्लम आ रही है स्पीकर की साउंड में तो सॉल्व हो जाएगी मेरे बताए हुए तरीकों से, अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना ही पड़ेगा।